नमस्कार, वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे 9 अक्टूबर को देश में कैसा रहेगा मौसम। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि देश भर में इस समय कहां कहां वेदर सिस्टम बने हुए हैं। एक निम्न दबाव का क्षेत्र है जो इस समय तमिलनाडु और आसपास के हिस्सों पर है। इसके अलावा एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है जो कि पश्चिम मध्य प्रदेश और उससे सटे पूर्वी राजस्थान के ऊपर है। साथ ही एक ट्रफ है जो इन दोनों सिस्टमों को आपस में जोड़ रही है और एक सर्कुलेशन है जो कि अरब सागर में पिछले कई दिनों से बना हुआ है। हालांकि इसका भारत के मौसम पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। एक एंटी साइक्लोन है जो कि इस समय पाकिस्तान के दक्षिणी हिस्सों पर है। आइए अब देखते हैं कि 9 अक्टूबर को मौसम कैसा रहेगा। इस सर्कुलेशन और ट्रफ के चलते मध्य प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ उत्तराखंड में भीषण बारिश देखने को मिल सकती है। बारिश की गतिविधियां इन भागों में 12 अक्टूबर तक इसी तरीके से बनी रहेंगी। इसके अलावा बारिश की गतिविधियां दिल्ली व हरियाणा के पूर्वी हिस्से और पंजाब के पूर्वी हिस्से जो कि हरियाणा से सटे हुए हैं, इन भागों में भी बारिश शुरू हो जाएगी जो धीरे धीरे और अधिक तेज होगी। लेकिन पंजाब के पश्चिमी हिस्से, हरियाणा के पश्चिमी हिस्से और राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में इसका व्यापक इम्पैक्ट कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। पश्चिमी तटीय भागों में चले तो मुंबई और आसपास के हिस्सों में आपको तेज बारिश देखने को मिलेगी, जबकि अन्य पश्चिमी हिस्सों में ज्यादा बारिश होने की संभावना फिलहाल कम है। एक लो प्रेशर जो कि तमिलनाडु और उससे सटे आसपास के हिस्सों पर दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे और अधिक अंदर की ओर आएगा, जिससे कि दक्षिण भारत के राज्यों में आने वाले दिनों में बारिश बढ़ जाएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्के से मध्यम, जबकि बिहार और झारखंड में हल्की बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में चले तो पूर्वोत्तर भारत में हल्के से मध्यम बारिश होने के आसार है। फिलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।